मुझे वो अच्छा So, क्या रिएक्शन होता है आप लोगों का? So, you said which is later colon fake. But हमें तो स्टार्टिंग से ही फेक बोला था लोगों ने. So, we got used to it. Fake. नहीं नहीं तो क्यों फर्क पड़ता है? अब ये फेक वर्ड एक कॉम्प्लीमेंट लगने लगी है मुझे. So, we are not affected by it. In the show, time and again, there have been instances जहाँ आपको degrade किया गया है, आप लोगों को चीजें बोली गई है, which are actually not true. आप लोगों का क्या reaction होता है? How does it matter to you? ये शो इसी चीज का है. यहाँ पे लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी की जबान पे आप ताला तो लगा नहीं सकते. सो चलता है, इन चीजों की भी आदत पड़ चुकी है. पहले बहुत बुरा लगता था, आई गॉट यूज्ड टू इट. या मैं जस्ट स्टेइंग इन हाउस फॉर 3 मंथ्स और 2 मंथ्स तो आदत पड़ जाती है डेली डेली सुनने की. सेम ही बंदा डेली बोलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पहली बार किसी को जाके शो में मिलते हो और उसके बारे में कुछ भी बोलते हो तो क्या है? नथिंग. बकवास करने का शो था, वहाँ जाके सब एक दूसरे के लिए बकवास ही कर रहे थे. इट्स बीन टाइम जब से आप लोग घर के बाहर आए हो, आप दोनों की फैमिलीज का क्या कहना है एक दूसरे के बारे में? मेरी फैमिली तो बहुत पसंद करती है बंदी को, इसने मेरा दिल ही नहीं मेरी फैमिली भी चुरा ली है. डेली मुझे ये बोलता है कि उसकी मॉम का कॉल आता यही है बात करने के लिए कि बंदी से बात करा. एंड देन इफ शी हैज स्पोकन टू मी ठीक है ओके बाय. मेरी तो बात कराई नहीं है, मेरी मॉम है. लाइक दे आर हैप्पी. What about your family? My sister and brother are okay. My mom is also okay. But मेरे dad से मैं इतनी open up नहीं हुई हूँ. Because वैसे भी मैं इतनी open up नहीं हूँ उनसे. So it'll take some time. So talking about changes that Big Boss has brought in the both of you, बंदगी क्या changes आए? गुस्सा तो उन्होंने control कर ही लिया है. बाकी क्या changes देखे हैं आप लोग? In Vinish? Yes. बहुत changes. I think the day I left, उसके बाद से मुझे शायद वो स्क्रीन पे दिखने लग गए थे. द फर्स्ट ओनर्स की गुस्सा तो खत्म ही हो गया है. उसके पेरेंट्स और फैमिली, स्पेशली सिस्टर, वो मुझे बोलते ये कैसे कर दिया जो हम पूरी लाइफ में नहीं कर पाए थे. आई थिंक शायद बिग बॉस ने करा है. मुझसे ज्यादा तो शायद बिग बॉस के अंदर रह के वो चीज हो चुकी है. एंड बाकी देख रही हूँ आगे क्या क्या चेंज होता है. पुलिस एनी चेंजेस यू नोटिस्ड इन हर? हां, और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है बिग बॉस के घर से निकल के. और हाँ, पेशेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया है इनका, मुझे ऐसा लगता है. और चीजों को ज्यादा सीरियसली लेती है. पहले नहीं लेती? नहीं, पहले इतना नहीं था. बहुत पहले थोड़ी कैजुअल थी, अब नहीं है किसी चीज के बारे में. अब बिग बॉस की बात कर ही रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट को फॉलो किया है, आप लोगों को भी किया है. व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? सी, दैट वाज अ शॉक व्हेन आई सॉ पीपल पोस्टिंग अमिताभ बच्चन फॉलोइंग यू नो बिग बॉस कंटेस्टेंट. बहुत लोगों ने पोस्ट किया बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने. So, मैंने भी चेक किया एंड दैट वाज सेम. मुझे लगा अकाउंट हैक हो गया. फर्स्ट थिंग वी थॉट वाज कि शायद अकाउंट हैक हो चुका है उनका. मिस्टर अमिताभ बच्चन है. और इफ ही इज फॉलोइंग अस, नथिंग लाइक दैट. दैट्स अ रियल शॉक एंड ऑनर फॉर अस कि वो असली में फॉलो कर रहे हैं. इज अ बिग बॉस फैन. मुझे नहीं पता कि वो बिग बॉस देखते भी है. इफ ही इज फॉलोइंग, इट्स अ ऑनर फॉर. मैं चाहता हूँ सलमान भाई फॉलो करे. अच्छा, बिग बॉस से इमेज बनती भी है और बिगड़ती भी, बहुत सारी चीजें होती है. तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कपल्स को फेक बोलते हैं. आप लोगों के जैसे इंसिडेंसेस हुए हैं अंदर, इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको लेके सिर्फ ये बोला जाता था कि आप लोग सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है एक दूसरे से. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं फिजिकली अट्रैक्टेड किसी से ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो सकता. अंदर से मैं उसे अंदर से दिल से अट्रैक्टेड हूँ. मैं ऐसा ही हूँ. मैं पहले मुझे दिल से प्यार करना है, फिर फिजिकल बाद में होता है. मैं उस तरीके का इंसान ही नहीं. तो ये बात बहुत गलत है. और फेक वो टाइम बताएगा क्या फेक है क्या रियल. एग्जैक्टली, वो टाइम ही बताएगा. शो को खत्म हुए 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, आज तक तो साथ ही हैं. आगे भी साथ रहने का प्लान है. अब लेट्स मूव ऑन टू द मंथ ऑफ लव. फेब्रुअरी इज हियर. इट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट वैलेंटाइन डे टुगेदर. मंथ ऑफ लव नहीं, मंथ ऑफ माय बर्थडे आल्सो. या द बर्थडे इज ऑन द 10th, वैलेंटाइन इज ऑन द 14th. वैलेंटाइन से ज्यादा मैं अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड हूं. मैं भी. तो क्या प्लान्स है बर्थडे के लिए? वही प्लान नहीं हुआ अभी तक. सी, पीपल आर आस्किंग मी क्या प्लान्स है, किधर पार्टी है, यू नो आई एम स्टिल प्लानिंग. पहले आप लोगों के इंटरव्यूज तो खत्म हो जाए, देन आई विल प्लान फॉर माय बर्थडे. कुछ अच्छा ही होगा. या बट इन अ डे और टू समथिंग नाइस वी श्योरली प्लान. दैट्स अबाउट द प्लान्स. व्हाट इज एन आइडियल वैलेंटाइन डेट फॉर द बोथ ऑफ यू? हमें तो जाना था बाली. एक्सपेक्टेड बाई एवरी वन.
सी वी वांट कि हम थोड़ा पर्सनल टाइम बिताएं। और सलमान भाई भी हमेशा बोलते हैं बाली कब जा रहे हो तुम पुलिस। सो अवे फ्रॉम एवरीवन आई थिंक दैट विल बी अ परफेक्ट वैलेंटाइन फॉर देम। कोई डिस्टर्ब नहीं करे और फोन ऑफ हो। मन तो मेरा था पेरिस ले जाऊं इसको और एक रोज दूं आईफिल गार्डन में से लाके वैलेंटाइन पे, पर हो नहीं पाएगा ऐसा, ये टू कॉट अप। सो दिस वैलेंटाइन व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉमिस ऑफ लव यू मेक टू द ईच अदर? बढ़ता रहेगा दिन ब दिन, टाइम बाय टाइम, सेकंड बाय सेकंड।